गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट के इस चैनल पर। मैं रोहित चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको पता था कि हम लोग स्टोन एज में बात कर रहे थे और स्टोन एज में हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, मानव के उद्विकास को लेकर के और हमारे काल विभाजन के वर्गीकरण को लेकर के सारी की चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की थी। उसी श्रृंखला में गाइज हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। मैं आपको प्रमाणिक चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करवा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लेके ज़रूर चल रहा हूँ, बट बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप बेहतरीन नोट्स अपने तैयार कीजिएगा। और हाँ, एक सबसे बड़ी विशेषता जो है बच्चों इस क्लास की, मैं प्रश्नोत्तर शैली में भी इसको कराऊँगा। जैसे जो टॉपिक्स मेरा चल रहा है उस टॉपिक, आपको पता है मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स लाता रहता हूँ। तो आज मैंने ये डिसाइड किया कि जैसे हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो स्टोन एज से थोड़ा सा टिपिकल वे में चल के अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने ध्यान में लिया तो मुझे मिला कि हम लोग प्रश्नोत्तर शैली में अगर पढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस भी आपको चलते हुए टॉपिक में बीच में हम लेते हैं, उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी आपके सामने रखते हैं, तो आपको उन ऑप्शंस की जब हम व्याख्या करेंगे, चारों ऑप्शंस की जब हम व्याख्या करेंगे तो एक ही क्वेश्चन से चार क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यानी कि चार तरीके फैक्ट्स आपके तैयार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, फटाफट से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही था कि हम लोग स्टोन एज को तो कंप्लीट कर ही चुके थे बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाइज आज हमारे अगले टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा बच्चों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पे कोई भी प्लान नहीं लिया है तो आप प्लस का प्लान जल्दी से डिसाइड कर लें कि कौन सा प्लान आपको लेना है। 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ का लेना है, 6 मंथ का लेना है, 1 ईयर का लेना है बच्चों, क्योंकि बिना प्लस के देखो आपको पूरा मैटर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मेरी भी थोड़ी सी मजबूरियां हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। बाकी ज़्यादातर मैं तो जितना हो सकता है आपको डीपली फैक्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। उमंग 10 बच्चों मेरा रेफरल कोड है, इसको 10% डिस्काउंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिएगा गाइज, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप फटाफट से इसको शेयर करते रहिएगा, बीच बीच में जितना आप शेयर करेंगे उतना अधिक बच्चे हमसे जुड़ेंगे। तो पेपर वन और पेपर टू के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा रहेगा पेपर टू के लिए। तो बच्चों फटाफट से आप लोग अनअकैडमी पे आ जाएं। और आपको पता है जैसा कि रात को 10 से 11 हम लोग सब्जेक्ट की MCQ करते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये रात की क्लास होती है, रेगुलर होती है बच्चों, इस क्लास को भी आपको मिस नहीं करना है। जो बच्चे अनअकैडमी पे नहीं हैं वो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल आपको सामने किसी और नाम से दिख रही है, मैं लिख देता हूँ ROHITASHWA बच्चों, रोहिताशु, ये नाम मेरा अनअकैडमी पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको जो है अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। और इसके अलावा बच्चों 9587123321 मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे किसी भी प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है तो भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। चलेगा गाइज, हम लोग आगे बात करते हैं। देखिएगा हमारा जो कंटेंट था वो किस तरीके से काम कर रहा था। मैं आपको पुरापाषाण काल से स्टार्ट कर रहा हूँ वापस, ये एक स्लाइड मैंने हालांकि आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दी थी, लेकिन वापस हम पुरापाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। और पुरापाषाण काल, जैसा कि आपको पता है कि पुरापाषाण काल को हमने वापस 3 पार्ट में बांटा था, पूर्वपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। तो टोटली हम बात करेंगे बच्चों पुरापाषाण काल की। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके लेवल से बन सकता है वो केवल और केवल उस संस्कृति को लेके बन सकता है जो इस कालखंड से संबंधित संस्कृति रही है। और गाइज, उस संस्कृति का नाम आपको पता है, मैंने बताया था आपको कल के वीडियो में भी, सोहन संस्कृति रहेगा। बात करें सोहन की तो सोहन सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। ठीक है, और सोहन नदी के आसपास जो सभ्यता हमारी डेवलप होती है, जो संस्कृति डेवलप होती है, उसी संस्कृति को हम क्या कहते हैं, सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इस पुरापाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लगभग हम चलते हैं 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 20 लाख BC से लेकर के और 10,000 या 9,000 BC तक। तो बच्चों लगभग इतना टाइम पीरियड जो है वो मनुष्य ने आदिम युग में ही बिताया है, इन पत्थरों के साथ ही बिताया, यानी कि उस पूरे टाइम पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य के उद्भव से लेकर के और होमोसेपियंस काल जब तक मनुष्य कहलाया, होमोसेपियंस कैटेगरी में जब तक मनुष्य आया तब तक की ये 20 लाख BC के अप्रोक्स जो है 19 लाख 90 हज़ार जो है वर्षों का एक इसका लंबा इतिहास रहा है। तो बहुत बड़ा फैक्ट इसमें से नहीं पूछा जाना है आपसे।
तो गाइज हम बात कर रहे थे सोहन संस्कृति को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है सोहन संस्कृति पूरा पाषाण काल से संबंधित है और सोहन जो है वो सिंधु नदी की क्या थी, एक सहायक नदी थी और इस सोहन नदी के सहारे सहारे जो सभ्यता डेवलप हुई, जो संस्कृति डेवलप हुई उसी को हम क्या कहते हैं, सोहन संस्कृति। और इस सोहन संस्कृति को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ बच्चों, प्राक सोहन, आदि सोहन, सोहन और विकसित सोहन। चलिएगा गाइज इतनी बात तो मैं पिछले लास्ट वीडियो में भी आपसे कर चुका था। आगे अगर अब मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद मैंने बताया था पूरा पाषाण काल से संबंधित अगली संस्कृति हमें मिलती है नर्मदा संस्कृति, इसको भी पढ़ना है, ये भारत से ही प्राप्त है बच्चों। और एक मिलती है हमें मद्रासी संस्कृति, ठीक है। 19वीं शताब्दी, जैसा कि आप सबको पता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात 1863 में पल्लवरम जो जगह है उस पर रावस ब्रूसफुट साहब ने जो है पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी और हैंडेक्स जो है इनको प्राप्त हुआ था यहाँ से। और इसी कारण से बच्चों हम इस मद्रासी संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये बातें भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। तो गाइज़ यहाँ तक का डिस्कशन शायद मैं लास्ट वीडियो में आपसे कर चुका था, यहाँ से आगे की बात आज हम शुरू करते हैं। बने रहिएगा आप मेरे साथ, इसको बीच बीच में शेयर भी करते रहिएगा। देखिएगा यहाँ से बच्चों मद्रासी संस्कृति से हमें पत्थर के हस्तकोठार यानी कि हस्तकुल्हाड़े प्राप्त हुए हैं, जो हमारी आज आधुनिक रूप में लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी होती है, कुछ इस टाइप के। भारत में बच्चों अनेक पुराविद्ताओं में अनेक पुराविद रहे हैं, भारत में प्रारंभिक पुरावेत्ताओं में अनेक पुरातत्वविद रहे हैं। जैसे हम बात करें कनिंघम की, तो इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट की, तो ये मद्रासी संस्कृति की प्रारंभिक खुदाई इन्होंने की थी, ये इसके जनक माने जाएंगे। और टेरा पीटरसन की बात करें बच्चों, तो इन्होंने सोहन संस्कृति और अन्य भागों की खुदाई की थी। तो सोहन संस्कृति से संबंधित व्यक्तियों में अगर आपसे नामकरण पूछ लिया जाता है तो टेरा पीटरसन आपको जवाब देना है। चलेगा गाइस बने रहिएगा मेरे साथ इस सेशन में, बहुत शानदार सेशन आपका चलने वाला है। पुरातत्व विज्ञान ने इतिहास की व्याख्या करने में एक नवीन आयाम विकसित किया, अर्थात उन्होंने क्या किया, खुदाइयों से प्राप्त सामग्री इतिहास की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण होगी, इस पर रिसर्च किया। इसी के अंतर्गत जाकर के बच्चों पुरातत्व विज्ञान और इतिहास का एक घनिष्ठ संबंध जो है वो बन के हमारे सामने आता है। भाई इतिहास का पुरातत्व विज्ञान से क्या संबंधित है, अब आप देखो साइंस के तहत ही हम लोग पुरातत्व विज्ञान को पढ़ेंगे और पुरातत्व विज्ञान जो है एक तरीके से एक विज्ञान हो गया जिसमें हमें खुदाइयों से प्राप्त जो सामग्री होती है उसका वैज्ञानिक अन्वेषण करते हुए, उस पर वैज्ञानिक तौर पर वैज्ञानिक विधि से रिसर्च करते हुए हम इतिहास की व्याख्या करते हैं बच्चों। इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है वो बहुत गहन संबंध पाया जाता है, किसके बीच में, इतिहास के बीच में और किसके बीच में, पुरातत्व विज्ञान के बीच में। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले चलिएगा हम बता दें आपको कि पुरापाषाण काल में आपको सिर्फ सोहन संस्कृति पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है और उसके टाइम पीरियड को लेकर बात करना है। पुरापाषाण काल से संबंधित जो है आपको एक मेन फैक्ट यही मिलेगा 1863 और मद्रासी संस्कृति हैंडेक्स की प्राप्ति होती है। मध्यपाषाण काल आता है बच्चों, लगभग आपका आविष्कार इस मध्यपाषाण काल के अंतिम समय में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मनुष्य यहाँ पे जो अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के अप्रोक्स 6000 या 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल होगा वो बच्चों इस पुरापाषाण काल के अंतिम चरण की टाइम पीरियड रहेगी, अर्थात इस पुरापाषाण काल का रूपांतरण जो है वो मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल में हो गया। इसको मध्य पूरा नहीं कहेंगे, केवल मध्य पाषाण काल में हो गया। तो पुरापाषाण काल का जो अंतिम चरण है वो धीरे धीरे किस में चला गया, मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल को हमने मीजोलिथिक कहा है। मीजोलिथिक के अलावा बच्चों हम इसको माइक्रोलिथेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथेज भी कहते हैं। अच्छा माइक्रोलिथेज क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि यहाँ से हमें सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, सूक्ष्म उपकरण बच्चों प्राप्त हुए हैं, इस कारण से हम लोग इनको जो है माइक्रोलिथेज के नाम से भी जानते हैं। गाइज ये फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनके आप नोट्स बना सकते हैं। चलिएगा आगे बात करूं बच्चों, मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैंने बताया था कि मैं प्रश्नोत्तर शैली में आपको लेकर के चलने वाला हूं, एक नया प्रयोग मैं आपके साथ करने वाला हूं। इस प्रश्नोत्तर शैली में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको रखा कि मध्य पाषाण काल से संबंध में, अगर मध्य पाषाण काल के संबंध में हम बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। डायरेक्टली सीधे सीधे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, इन क्वेश्चंस के आधार पे ही हम लोग आगे
अपना पूरा जो अपना ये टाइम पीरियड है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज मैं बात कर रहा था आपसे, पहला ऑप्शन है आपके पास, इस काल में माइक्रोवित्त प्रकार के उपकरणों का विकास हुआ, ठीक है, इस काल में वातावरण व तापमान मानव के अनुकूल होने लगा था, और इस काल में भीमबेटका जैसे चित्रकला वाले स्थानों का भी विकास हुआ, और इस काल में स्थायी कृषि के प्रमाण मिलते हैं। तो गाइस चार ऑप्शंस आपको इसके लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं इन चारों ऑप्शंस के आधार पे इनकी व्याख्या को, और इन चारों ऑप्शंस की व्याख्या में ही आपका मध्य पाषाण काल जो है पूरा व्याख्यायित हो जाएगा। तो एक नया प्रयोग करने का मैंने प्रयास किया है, आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट्स करके ये बताना क्या इस तरीके से प्रश्नोत्तर शैली में अगर हम पढ़ते हुए चलें और उनको व्याख्यायित करते चलें तो क्या आपको अच्छा लगेगा, कैसा आपका सजेशन रहेगा मेरे लिए, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये प्रश्नोत्तर शैली आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं। तो गाइस इस क्वेश्चन की व्याख्या देखूं मैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इस काल में माइक्रोलिथ उपकरणों का विकास हुआ, वातावरण तापमान मानव के अनुकूल होने लगा, भीमबेटका जैसी चित्रकलाओं का विकास हुआ। या तो मैं इनको डायरेक्ट पॉइंट के रूप में लिखवा सकता था कि बच्चों ये माइक्रोलिथ एज की जो है वो उपलब्धियाँ हैं। इसके अलावा मैंने इसको एक क्वेश्चन का रूप दिया, और गाइड एग्जामिनर क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनाता है। देखिएगा इसकी व्याख्या में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म उपकरण पत्थर के बनाए जाने लगे, ठीक है, अधिकांश मध्य पाषाण काल के पुरातात्विक स्थलों से इस प्रकार के माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म उपकरण कहेंगे बच्चों इनको, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर व्याख्यायित हो जाता है, ये बिल्कुल सही रहेंगे। पुरापाषाण काल में बच्चों हैंडेक्स कुल्हाड़ा चापर चोपिंग भी कह सकते हैं इसको उपकरण, ये बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट है एशुलियन संस्कृति, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी नहीं सुना होगा, ये एशुलियन संस्कृति, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल JRF लेवल का क्वेश्चन है। एशुलियन संस्कृति किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल बच्चों आपको आंसर देना है, आपकी गाइडों में आपको एशुलियन संस्कृति के बारे में डिस्कशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैं बात कर रहा था चापर चोपिंग उपकरण यहाँ की विशेषता है, एशुलियन संस्कृति इसी टाइम पीरियड की है। एशुलियन जो उपकरण हमें प्राप्त होते हैं ये संस्कृतियाँ फ्रांस व यूरोप के अन्य भागों से हमें प्राप्त होती हैं। इन संस्कृतियों से मिलते जुलते अगर हम भारत के प्रस्तर उपकरणों की बात करते हैं तो वो भी हमें भारतीय पुरापाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त हो जाते हैं। चलिएगा बच्चों आगे बढ़ते हैं, मध्य पुरापाषाण काल के स्थलों में राजस्थान में नागौर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, नर्मदा घाटी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र, गुजरात में लंगना आजादी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो मध्य पाषाणकालीन स्थलों से संबंधित हैं। गाइज यहाँ से भी अभी मैं उस क्वेश्चन की व्याख्या कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका जो है वो गुफा चित्रकारी वाला टाइम पीरियड भी यहीं का रहेगा, तो इसका मतलब वो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सेफ है, यानी कि उनको आप पॉइंट्स की तरह भी लिख सकते हो, और जिस तरीके से मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ उस तरीके से भी आप गाइज उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद बात करें बच्चों वर्तमान में लूनी क्षेत्र, बूढ़ा पुष्कर, बेड़च व बनास का क्षेत्र, ये सब बच्चों राजस्थान में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे इजीली इनके बारे में पता है, आप लोग भी अपनी नॉलेज में रखिएगा, तथा सोहनपुरा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में भी इस काल की खुदाइयाँ हुई हैं, अर्थात मध्य पाषाण काल की खुदाइयाँ यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलेगा इस काल में बच्चों मानव के द्वारा शिकार चित्र बनाए गए, देखिएगा पूरी व्याख्या अभी उसी क्वेश्चन की चल रही है, मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा शिकार के चित्र बनाए गए अर्थात गुफा चित्रकला या कैप पेंटिंग या गुहा चित्रांकन। अगर हम बात करें गाइस वर्तमान की, तो वर्तमान में हमें 28 से अधिक स्थानों से भारत में जो है वो गुफा चित्रकला की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंस जो है वो भीमबेटका गुफा चित्रकारी मानी गई है, और इसकी खोज जो है बच्चों वो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वाकणकर साहब यानी VN मिश्रा साहब एवं प्रोफेसर मठपाल आदि के द्वारा की गई थी। इसके बाद बच्चों बात करें राजस्थान में नागौर मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल माना गया है, यहाँ से बच्चों हमें पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में आ चुका था, ये फैक्ट आपको रखना है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन आ चुका था। राजस्थान का बागोर जो है हमें यहाँ से ये प्राप्त होता है, गृह निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तंबूनुमा झोंपड़ी आदि बनाने के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। तो गाइज आगे बढ़ें, मध्य पाषाण काल में ही देखिएगा उत्तर प्रदेश के तेलन घाटी की जगह बेलन घाटी करिएगा इसको, बेलन घाटी एवं अन्य क्षेत्रों से जंगली धान के, ठीक है, प्रारंभिक प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, कोल्डी हवा और चौपासनी मांडों से जो है हमें ये मिलते हैं, जिनका काल बच्चों लगभग ईसा पूर्व के समय का माना गया है।
इसी क्रम में बच्चों अगर हम बात करें आगे कि चावल के प्रमाण अगर वो बात करता है वो सर्वप्रथम मिले हैं गुजरात से, जिसमें लोथल और रंगपुर आ जाएगा आपका। कपास के प्रमाण जो हैं बच्चों वो मध्य पाषाण काल में हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से, जो बलूचिस्तान में स्थित है, और पहली बार खेती करने के प्रमाण भी बच्चों आपको मेहरगढ़ व बलूचिस्तान से, और जौ की खेती करने के प्रमाण भी आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ मेन मेन और प्रमाणिक फैक्ट थे। बाकी बच्चों गाइडों में बहुत सारा कचरा भरा होता है कि मध्य पाषाण काल में ये चीज़ यहाँ से मिली, ये चीज़ यहाँ से मिली, क्योंकि पता है पुरातात्विक स्रोत हैं जिनमें प्रमाणिकता जो है बड़ी संदिग्ध रहती है। मैं आपको केवल और केवल वही फैक्ट उठाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बनेगा, आपके क्वेश्चंस को उसमें से बनाया गया होगा और वो 100% प्रमाणिक होगा। तो गाइज कैसा लगा मुझे अपना रेस्पॉन्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि आपको आने वाली क्लासेज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग बेहतर परफॉर्म कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, 100% आप लोग JRF क्रैक करोगे। गाइस बीच बीच में आप एक बार इस सेशन को प्लीज़ शेयर भी करते रहिएगा। चलिएगा बच्चों आगे बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल हमारा मेन मेन हमने डिस्कस किया, इसके बाद आएंगे बच्चों हम नव पाषाण काल पे। नव पाषाण काल को जैसा मैंने आपको बताया था न्यूलिथिक एज कहते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस आपको किसी एग्ज़ाम का, किसी टेस्ट क्यूज का या किसी गाइड का, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जो आपको परेशान करता है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास हैं। नो डाउट आप बेफिक्र होकर मुझे उस क्वेश्चन को सेंड करिए, मैं पूरा व्याख्यात आंसर आपके पास उसका पहुँचाऊँगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गाइज हम बात कर रहे थे नव पाषाण काल की, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड जो है हमने लगभग 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया है। नियो का अर्थ होता है बच्चों नया या नवीन, और लिथिक का अर्थ होता है पाषाण, तो नव पाषाण काल हम इसको कहेंगे। बच्चों लगभग इसी काल में नव पाषाणिक क्रांति हुई, अर्थात न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। अब बात करें न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन से तात्पर्य क्या है, तो पत्थर के उत्कृष्ट प्रकार को पॉलिश करके फलक बनाना या ब्लेड बनाना, ठीक है। तो बच्चों ये ब्लेड संस्कृति कही जाएगी। इसके बाद इसके अतिरिक्त इस काल में पत्थर के साथ साथ हड्डियों के उपकरण भी बनाए जाने लगे, तो एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। जहाँ देखो पहले, अभी मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे जो है फलक संस्कृति आ गई, यानी कि धार बनाने लग गए। अब जो पत्थर के पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो भद्दे औजार हुए, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा डिस्कस और करता हूँ। यहाँ पे मध्य पाषाण काल की बात कर रहा था, यहाँ मध्य पाषाण काल में बच्चों देखिएगा, मध्य पाषाण काल में क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। मध्य पाषाण काल में जैसा कि आपको पता था मैदानी भागों का विकास हो चुका था, पृथ्वी पे जो है थोड़ा बहुत खेती का जो है सिस्टम आ चुका था, और छोटे छोटे जीव जो है यहाँ पे पैदा हो चुके थे। छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए ऐसे औजारों की आवश्यकता पड़ी जो नुकीले हों, ठीक है, और उनको फेंक कर चलाया जा सके। कैसे चलाया जा सके, फेंक कर चलाया जा सके, तो फेंक कर चलाए जाने के कारण ही बच्चों हमें सूक्ष्म औजारों की आवश्यकता पड़ी। तो माइक्रोलिथ एज की बात करते हैं हम, और फेंक कर औजार जब यहाँ से चलाए जाने लगे, तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक जो होती है बच्चों, प्रक्षेपास्त्र तकनीक के लिए भी आप मान सकते हैं कि पाषाण काल में ही तीर कमान वाली जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है वो भी लगभग जो है इस तरीके से डेवलपमेंट आगे चल करके हो जाती है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो माइक्रोलिथ यहाँ थे, नवपाषाण काल में इन्होंने क्या किया, उसको धार बनाना शुरू कर दिया, एक ब्लेड बनाना शुरू कर दिया, फलक उस पर बनना शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त इसको वो अच्छे से शाइनिंग देते थे, पॉलिश उस पर करना शुरू कर दिया इन्होंने, और हड्डियों के उपकरण भी बच्चों ये लोग इसके साथ साथ बनाने लगे। नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। बच्चों वापस मैं नवपाषाण से संबंधित एक कथन आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखिएगा। इस काल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं, नवपाषाण काल में माइक्रोलिथ प्रकार के उपकरण बनाए गए, इस काल में धातु का प्रयोग किया जाने लगा, और इस काल में व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ हुई। चारों ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन हैं, कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आइएगा गाइस बात करते हैं इन क्वेश्चन की व्याख्या की। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो बच्चों नवपाषाण काल में अगर हम बात करें संबंधित पुरास्थल की, तो वो भारत में अनेक भागों से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे पुरास्थल जो नवपाषाणिक काल से संबंध रखते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बच्चों बुरझोम या गुफ कराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, इन स्थानों की अगर हम बात करें तो यहाँ गर्तावास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। गड्ढों में आवास बनाने, गर्तावास का मतलब क्या होता है, जमीन में बच्चों गड्ढा खोद लिया जाता है, उसमें लोग रहते थे और घास फूस या लकड़ियों से उसको वो रात को ढक लिया करते थे, तो ये गर्तावास हुआ करते थे, ठीक है। ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहीं से बच्चों हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण भी
प्राप्त होते हैं, और ऐसे ही प्रमाण मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण जो हैं वो बच्चों जो है बाद में पंजाब के रोपड़ से भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। चलिएगा गाइस आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग इसको सही मानेंगे। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल के लिए जाएगा, धातु युग आप यहाँ नहीं कहेंगे बच्चों, और इस काल में व्यापारिक गतिविधियाँ भी नहीं हुई। तो इसके तीन ऑप्शन जो हैं वो गलत थे, केवल एक ही ऑप्शन सही था, इसीलिए मैंने केवल इस एक सही ऑप्शन की व्याख्या आपको यहाँ की है। रोपड़ से भी यहाँ हमें प्रमाण मिलते हैं, कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। ये क्वेश्चंस के आधार पर मुझे लगता है बच्चों आपको पसंद आएगा प्रश्नोत्तर शैली। अभी धीरे धीरे हम लोग प्रश्नोत्तर शैली में भी आगे बढ़ेंगे, ये आपके पॉइंट जो है एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिएगा गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? ये आपको देखना था। गुफकराल, चिरान, ब्रह्मगिरी और अंतरजी खेड़ा, चार जगहों के नाम हैं बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा व्याख्या करते हैं हम यहाँ पे। बच्चों उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से हमें PGW प्रकार का कृष्ण लोहित, जिसको बोलते हैं, मैंने आपको मृदभांड में पढ़ाया था, ठीक है, PGW प्रकार का है, वो BRW था, कृष्ण लोहित बच्चों BRW था, PGW प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, PGW प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। यहाँ से ईंटों के साथ लोह उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अब आप लगाइए अंतरजी खेड़ा जो है इसमें वो वैदिक काल के लिए चला जाएगा, जबकि हम नवपाषाण काल से बात करें बच्चों तो गुफकराल, चिरांद और ब्रह्मगिरी जो हैं वो आपके नवपाषाण काल से संबंधित हो जाएंगे। देखिएगा मैं नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों को भी डिस्कस कर लेता हूँ। मेहरगढ़ बच्चों बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलता है, राणा गुंडई बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलता है, सरायखोला रावलपिंडी पाकिस्तान में मिलता है, बुरजुहोम की हम बात कर सकें जिसमें जन्म स्थान, और ये जम्मू कश्मीर, इसका अर्थ होता है बच्चों बुरजुहोम का जन्म स्थान और जम्मू कश्मीर में ये हमें प्राप्त होता है। तो नवपाषाणिक काल से संबंधित गाइस आपके फैक्ट्स ये हैं। चलिएगा यहाँ की खुदाई के बाद बात करें बच्चों हम, तो टेरा एवं पीटरसन के द्वारा यहाँ की खुदाइयाँ की गई थी। यहाँ से गर्तावास, पालतू कुत्ते को मृतक के साथ दफनाया जैसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। बुरजुहोम का जो समय है वो लगभग 2400 ईसा पूर्व माना गया है बच्चों, अप्रोक्स अगर बात करें आज से तो 4400 साल पहले का समय माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों गुफकराल की। गुफकराल आपके उस क्वेश्चन के ऑप्शन में था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुमार की गुफा। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? कुमार की गुफा। सन 1981 में AK वर्मा द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ से बच्चों हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं और हमें पॉलिश युक्त उपकरण मिलते हैं जिनमें कुदाल, वेदनक, छेनी, कुल्हाड़ी आदि उपकरण जो है वो महत्वपूर्ण रूप से हमें प्राप्त होते हैं। गाइज अगले फैक्ट की बात करूँ, चिरांद भी हमारे उस ऑप्शन में था। चिरांद जो है वो बिहार में स्थित है और सर्वाधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण जो है वो चिरांद से प्राप्त होते हैं, जैसे सींग के बने हुए बाण आदि, ठीक है, सींग के बने हुए बाण या बाणाग्र आदि जो हैं। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा चिरांद। अगर आपसे पूछता है कि चिरांद किस समय पीरियड से संबंधित है, तो नवपाषाणिक काल से संबंधित रहेगा। अगर आपसे पूछता है नवपाषाणिक स्थलों से संबंधित निम्न में से कौन सा है, और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन चिरांद भी है, तो चिरांद वहां आंसर होगा। अगला नवपाषाणिक काल स्थल आ जाता है बच्चों आपके लिए सिंगनकल्ली। सिंगनकल्ली करेंगे इसको, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है बच्चों। यहां से हमें पॉलिक्स युक्त उपकरण जो है वो प्राप्त होते हैं जो नवपाषाणिक काल से संबंधित हैं। आपको समझना है, देखिएगा यहां पे बताया था मैंने आपको पुरापाषाण, ठीक है, इसके औजारों की विशेषता है भद्दे, भद्दे औजार हैं बच्चों। मध्यपाषाण, मध्यपाषाण की विशेषता में आपसे पूछेगा कैसे उस औजार आ गए, सूक्ष्म औजार आ गए। और नवपाषाण में पूछेगा बच्चों आपसे तो ब्लेड वाले औजार आ गए, फलक वाले औजार आ गए, ब्लेड या फलक संस्कृति, और साथ में ही पॉलिश, और पॉलिश के अलावा बच्चों पत्थर के अलावा हड्डी या सींगों के उपकरण। ये चार फैक्ट आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपके लेवल पर क्वेश्चंस नहीं बनता है। बाकी एसुलियन संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित है, वो भी मैंने आपको बताया था। बाकी का कुछ मैटर बच्चों मेरी प्लस की क्लास के लिए भी छोड़ दीजिएगा, सारा कुछ मैं यहाँ नहीं करा पा रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। चलिएगा गाइस फिर भी यहाँ के जो मैटर को मैं आपके लिए दे रहा हूँ वो बहुत ही प्रमाणिक मैटर है, बहुत ही ऑथेंटिक मैटर मैं आपको दे रहा हूँ। चलिएगा बच्चों बात करते हैं, कर्नाटक भी हमने लिया था। यहाँ पे अगर कर्नाटक की बात करें हम बच्चों, तो हमें कुछ स्थान प्राप्त होते हैं जैसे मास्की है, संगनकल्लू है, ब्रह्मगिरी है बच्चों, पिकलीहल है। यहाँ से राख के ढेर मिलते हैं बच्चों, पिकलीहल से क्या मिलता है हमें, राख के ढेर मिलते हैं।
आदि स्थलों से भी हमें पाषाणकालीन स्थल जो सॉरी उपकरण जो हैं वो प्राप्त होते हैं। परवर्ती काल में नवपाषाणिक संस्कृति का रूपांतरण बच्चों धात्विक संस्कृति में हो गया और पहली धातु जिसे मानव ने प्रयोग किया था वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तांबा थी, लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ पहली धातु जो मनुष्य ने प्रयोग की वो वास्तविक तौर पे सोना थी, लेकिन ये अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये गलत रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको बृहद स्तर पर प्राप्त नहीं कर पाए और इसके साक्ष्य हमें मिलते नहीं हैं। बट अगर आप पढ़ोगे डिटेल में प्रमाणिक पुस्तकों को तो आपको मिलेगा कि सोना मनुष्य ने सबसे पहले जो है प्रयोग में लिया था, बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से ये गलत है, मैं आपको इसकी राय नहीं दूंगा। पहली धातु की मैं बात करूंगा तांबा, तो किसी दिन स्पेशल क्लासेज में बताऊंगा सोने को लेकर के क्या फैक्ट है पाषाणिक काल में, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये आपका तांबा जो था पहली धातु थी, और यहाँ से आगे का जो टाइम पीरियड है हमारा वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड ताम्रपाषाणिक संस्कृति में आ जाएगा। इसके आगे गाइस हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृति, उसके लिए आपसे अगली क्लास में जो है मुलाकात होगी। आज मैं थोड़ा सा इतना ही लूँगा बच्चों इसको, तो आप मेरी थोड़ी सी मजबूरी समझिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। गाइस वीडियो में मुझे कमेंट्स करके बताना प्रश्नोत्तर शैली कैसी लगी आपको। प्रश्नोत्तर शैली से हमें यह आइडिया भी रहेगा कि हमारे प्रश्न का प्रारूप क्या रहने वाला है और उसके एग्ज़ाम में हमें ऑप्शंस किस तरीके से दिखाई देने वाले हैं, तो हम सारी चीज़ों को वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप कंप्लीट करते रहेंगे। तो गाइज अनअकैडमी पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं रोहिताश्व नाम से, मैंने आपको बताया हुआ है सारा कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये डिस्कस किया था, इस नाम से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी भी क्वेरीज के लिए आप 10% डिस्काउंट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड या अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, चलिएगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं।